महाराष्ट्र में प्याज का अधिकतम दाम एक बार फिर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार चला गया है। हालांकि किसान इससे खास खुश नहीं है, उन्हें उम्मीद है कि दाम में अभी और तेजी आएगी जिससे उनके घाटे की भरपाई होगी। भारी बारिश से ज्यादातर जिलों में किसानों की खरीफ सीजन की प्याज की फसल 60% तक सड़ गई है। ऐसे में अच्छा दाम नहीं मिला तो घाटे की भरपाई नहीं हो पाएगी। कोल्हापुर में मंगलवार 4 जनवरी को प्याज का दाम अधिकतम 3,325 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। सोलापुर APMC में भी 3,000 रुपए तक का रेट रहा था। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का करीब 40% प्याज पैदा होती है। नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, पुणे, धुले और औरंगाबाद आदि जिलों में इसकी अच्छी खेती होती है। नासिक के ही लासलगांव में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। महाराष्ट्र के कुल प्याज उत्पादन का 65% रबी सीजन में ही होता है, जबकि करीब 20% खरीफ और शेष अर्ली खरीफ का होता है। पूरे दिसंबर महाराष्ट्र के किसान प्याज की कीमत की वजह से परेशान रहे हैं। 2021 में 2 अक्टूबर को लासलगांव में प्याज का अधिकतम दाम 3,101 रुपए प्रति क्विंटल था। उसके बाद दाम 4,300 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन अचानक फिर गिरावट आने लगी। दिसंबर में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल तक के रेट पर किसानों को प्याज बेचना पड़ा है। वहीं महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि ज्यादातर किसानों की खरीफ की फसल बारिश की वजह से खराब हो चुकी है। ऐसे में उन्हें जब तक 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक दाम नहीं मिलेगा तब तक फायदा नहीं होगा, क्योंकि 60-70% फसल खराब हो चुकी है। फसल खराब होने से आवक अभी कम देख रही है। ऐसे में उम्मीद है कि दाम ठीक मिलेगा। सरकार प्याज किसानों को नुकसान का मुआवजा नहीं देती है। ऐसे में किसानों को सिर्फ अच्छे दाम की उम्मीद का सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।